नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप देख रहे हैं और ये जो वाहनों की आवाजाही है ये शिमला से चंडीगढ़ की ओर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अब शिमला से चंडीगढ़ की ओर पर्यटकों के वाहन जा रहे हैं। संडे का दिन है, वीकेंड है और वीकेंड पे अब पर्यटकों का चंडीगढ़ की और लौटना अब जारी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की आवाजाही है वो थोड़ी सी धीमी है। धीरे धीरे आगे रेंगते हुए वाहन आगे जा रहे हैं क्योंकि लगातार शिमला से वाहनों का एक फ्लो बना हुआ है। बड़ी संख्या में शिमला से वाहन चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं और फोर लेन का यहाँ पर काम भी चला हुआ है। फ्लाईओवर का निर्माण चंबा घाट में हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार शिमला से चंडीगढ़ की ओर वाहनों का जो काफिला है वो जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं क्योंकि पर्यटकों को उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर 5 जुलाई फरवरी के बीच में रहा तो पर्यटकों को लगा कि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और उन्हें शिमला में बर्फ़ देखने को मिलेगी। शिमला में बर्फ देखने को तो नहीं मिली, बर्फ तो नहीं पड़ी, लेकिन आसपास की पहाड़ियों पर जरूर शिमला से सुंदर नज़ारा, मनोरम दृश्य पहाड़ियों पर बर्फ के जरूर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसा नहीं है कि पर्यटक वापस ही लौट रहे हैं, शिमला की ओर पर्यटकों का जाना भी लगा हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से शिमला से पर्यटक अब चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की जो आमद थी शिमला में वो बढ़ी है और इसी का ही परिणाम है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि लगातार वाहनों की रफ्तार अब वाहन चंडीगढ़ की ओर यहाँ से गुजर रहे हैं और काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और यही इसी रफ्तार से वाहन आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही तो है लेकिन ज़्यादातर चंडीगढ़ से जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर वाहन बड़ी संख्या में इस वक्त जा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं। चंबा घाट का ये दृश्य है और बड़ी संख्या में वाहनों की और तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की देख रहे हैं, लगातार वाहनों की आवाजाही यहां पर बनी हुई है। लंबी कतार वाहनों की शिमला से बड़ी संख्या में वाहन अब चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो पर्यटक अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। वीकेंड था और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए गए थे क्योंकि शिमला में कम से कम बर्फ भली ही ना पड़ी हो लेकिन धूप वहां पर काफ़ी है और सबसे बड़ी बात यह थी कि शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। न्यूनतम तापमान भी पिछले 2-3 दिनों से बढ़ा हुआ है तो कुल मिलाकर एक सुहावना मौसम था जिसे पर्यटक देखने के लिए शिमला पहुंचे हुए थे। हालांकि बर्फ़ का उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि बर्फ़ शायद उन्हें शिमला में मिलेगी लेकिन शिमला में 1 फरवरी को हिमपात जरूर हुआ। उसके बाद 4 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अभी 16 फरवरी तक बारिश की या फिर बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद से पर्यटन को हिमाचल प्रदेश में एक नए पंख लगे थे। लगातार पर्यटकों का शिमला की ओर जाना लगा हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ से शिमला की ओर से वाहन आ रहे हैं और दूसरी तरफ चंडीगढ़ से शिमला की ओर वाहन जा भी रहे हैं, लेकिन तुलना करें तो शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या कुछ ज़्यादा है और जो लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि लगातार वाहनों की आवाजाही यहाँ से बनी हुई है। शिमला के से चंडीगढ़ की ओर लगातार वाहन आगे बढ़ रहे हैं और स्नोफॉल देखने आए हैं वीकेंड में और स्नोफॉल देखने अब आज अपने होम टाउन में तो वापस लौट रहे हैं। तो विनोद पुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद पुल जी सोलन से, और लगातार आप देख सकते भोला राम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बता दें ये जो काम होता है पहले सड़क होती सड़कों की तो हालत बहुत, इसमें भोला राम जी कोई दो राय नहीं है कि सड़कों की हालत तो बहुत खस्ता है और कहीं ना कहीं जो खस्ता हाल सड़कों की है उसकी वजह से ही इस तरह की परेशानियां पर्यटकों को यहां पर उठानी पड़ रही है। एक बार पर्यटक आ तो रहे हैं
लेकिन उम्मीद नहीं करते कि दूसरी बार इस तरह के रोड देखते हुए वापस हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि बड़ी संख्या में शिमला से वाहनों की एक लंबी कतार लगी हुई है चंडीगढ़ की ओर, और बड़े वाहन आज चंडीगढ़ की ओर निकले हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों का शिमला की ओर जाने का जो सिलसिला लगा हुआ था वो आज भी है, लेकिन वापस लौटने का जो संख्या है पर्यटकों की वो कुछ इस बार ज़्यादा दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि लंबी एक लाइन वाहनों की यहाँ पर लगी हुई है और लगातार यह क्रम चला हुआ है। पिछले 30 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला था, और 30 जनवरी से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन कारोबार था उसको एक नई ऊंचाइयां मिली थी, क्योंकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन कारोबार था काफ़ी उस वक्त प्रभावित हो चुका था। पर्यटकों ने एक तरह से हिमाचल प्रदेश में आने से कन्नी काट ली थी, और वजह थी कि प्रदेश में आजकल के दिनों में जो पर्यटक आते हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं कि उन्हें पहाड़ियों पर बर्फ देखने को मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, सूखे के हालात यहाँ पर पड़े हुए थे, सूखा प्रदेश में पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए नहीं आ रहे थे। दिसंबर के आखिर में जरूर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को एक नई ऊंचाई जरूर मिली थी, क्योंकि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर नए साल को मनाने के लिए और क्रिसमस मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना हुआ, और उस दौरान मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी कुछ इस तरह के थे कि 20 और 22 जनवरी के आसपास से हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के आसपास से बर्फबारी हो सकती, इस तरह का पूर्वानुमान था। फिर पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से आया कि 30 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। तो इन पूर्वानुमानों को सही मानते हुए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए थे, लेकिन जब बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिली तो निराश होकर वापस लौटे, और उसके बाद जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश पर्यटकों का इंतजार ही करता रहा। लेकिन पर्यटकों ने जो कन्नी काटी थी वो फिर 30 जनवरी के बाद जब मौसम में बदलाव प्रदेश में देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई, पर्यटन स्थलों पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई, उसके बाद पर्यटकों का आना एक बार फिर से जारी है। पर्यटक शिमला की ओर भी जा रहे हैं, लेकिन जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं उनकी थोड़ी संख्या ज़्यादा है। और तस्वीरें आप देखें कि लगातार वाहनों का जो फ्लो बना हुआ है वो जारी है, और काफ़ी देर हमारे को भी होगी आपको दिखाते दिखाते लगातार चंडीगढ़ से शिमला से चंडीगढ़ की ओर वाहनों की एक लंबी कतार आप देख सकते हैं कि लगी हुई है, और उसमें बसें भी जारी है और कुछ छोटी गाड़ियां भी है, और शिमला की ओर वाहन भी ऐसा नहीं है कि शिमला की ओर वाहन नहीं जा रहे हैं, शिमला की ओर भी जा रहे हैं, लेकिन शिमला से चंडीगढ़ की ओर वाहनों की संख्या कुछ ज़्यादा है और लगातार फ्लो बना हुआ है, काफ़ी देर से हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जो पर्यटक वीकेंड पर आए हुए थे अब वो वापस अपने गंतव्य स्थान या अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, और पर्यटकों की काफ़ी संख्या है। तो यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर इस वक्त जो वाहन चले हुए हैं वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उस तरह का फ्लो नहीं है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, फोर लेन का निर्माण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, यहाँ पर तो फ्लाईओवर बन रहा है, सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन वाहनों का उस तरह का फ्लो नहीं है। और उस वजह से आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे लगातार वाहनों की एक लंबी कतार शिमला की ओर से चंडीगढ़ की ओर लगी हुई है, और ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ से वाहन नहीं आ रहे, चंडीगढ़ से पर्यटकों का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में आने का जारी है। लेकिन अभी मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि 15-16 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की उम्मीद नहीं है, तो यही वजह है कि पर्यटक भी अब मान चुके हैं कि अब बर्फबारी अभी फिलहाल होनी नहीं है। लेकिन शिमला के आसपास की पहाड़ियों पर दूर जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं रिज मैदान से तो बर्फ से लकदक है और काफ़ी मनोरम दृश्य है, तो उसे पर्यटक वहाँ से निहार जरूर रहे हैं। लेकिन बर्फ पड़ने की उम्मीद को लेकर पर्यटक यहाँ पर आए थे तो अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो आप देखें कि वाहनों का एक लगातार फ्लो इस वक्त बना हुआ है चंडीगढ़ की, और वाहन आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं, यह फ्लो लगातार बरकरार है और लगातार
देख सकते हैं कि जो वाहन का एक काफिला है, लेन है, वो काफ़ी लंबी इस वक्त लगी हुई है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग की तस्वीरें हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कितनी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश यानी प्रदेश की राजधानी शिमला में घूमने के लिए आए होंगे। और इसी तरह की तस्वीरें हम हिमाचल प्रदेश के हर पर्यटन स्थल की है। कश्मीर मनाली में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। और तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं सोलन की, कि अब पर्यटकों का वापस अपने गंतव्य स्थान के अपने गंतव्य की ओर लौटना जारी, अपने घरों की ओर अब पर्यटक वापस लौट रहे हैं। तो वाहनों का एक लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।